वेलकम डियर फ्रेंड्स, क्लास सिक्स सप्लीमेंट्री चैप्टर नंबर 10, अ स्ट्रेंज रेसलिंग मैच। यह स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आपको इसे बहुत ध्यान से सुनना है और समझना है। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। एक बार विजय सिंह नाम का एक पहलवान रहता था। विशाल कंधों और पेशीय भुजाओं वाला एक लंबा आदमी। वह विशाल खंभे जैसा दूसरों के सामने लगता जैसे कि कोई दैत्य हो। लोगों ने कहा विजय सिंह जन्मजात पहलवान है और दुनिया के अन्य सभी पहलवानों को हरा सकता है। इस पहलवान में एक ही कमी थी जो अक्सर उसे अजीब परिस्थितियों में डाल देती थी। उसे सेखी भगाने का शौक था। एक दिन वह कई युवकों से घिरे बाजार स्थल पर बैठा था। कई गिलास दूध पीने के बाद वह अचानक घोषणा करता है कि लोग भूतों से क्यों डरते हैं। मैं नहीं डरता। काश मैं एक कठोर भूत से मिलता, मैं उसे सबक सिखा देता। तालियों की गड़गड़ाहट चारों तरफ बजने लगती है और कुछ युवकों के बीच इस बात को लेकर आशंका भी होती है। उनमें से एक ने कहा, अगर तुम रात में अकेले उस भूतिया रेगिस्तान में चलते हो तो तुम अवश्य भूतों से मिलोगे। वहाँ खुलेआम वो लोग घूमते हैं। हर जगह अजीब सी चीखे और कराह सुनी जा सकती है। यात्रियों को लूटा और मार दिया गया है। क्या तुम सच में वहां जाना चाहोगे? विजय सिंह के प्राकर्मी दिल ने एक दो धड़कन छोड़ दी। उसे घमंड क्यों करना पड़ा, यह सोचने लगा विजय सिंह। हाँ, मैंने भूतिया रेगिस्तान के बारे में सुना है, उसने उदासीन भाव से निश्चित पूर्वक कहा। मुझे लगता है कि यह सिर्फ एक परिकथा है। अरे नहीं, उसके एक प्रशंसक ने कहा, यह जगह जैसलमेर की सड़क पर पश्चिम में 10 मील की दूरी पर है। सीमा चिन्ह एक बदसूरत काली चट्टान है जो ऊंट के सिर की तरह दिखाई देता है। इसके अलावा और कुछ नहीं है, लेकिन रेत और जंगल और निश्चित रूप से वहां भूत है। उस शाम लगभग पूरा गांव विजय सिंह को विदाई देने के लिए आया, जो पश्चिम की ओर प्रस्थान करने के लिए तैयार हो रहा था। तभी एक बूढ़ी औरत आगे आई और उसके हाथों में एक छोटा सा पैकेट थमा दिया और विजय सिंह रेगिस्तान के लाल सूर्यास्त की ओर चलने लगा। जैसे जैसे वह चलता गया, रात गहरी होती गई। चांद चमक रहा था और सितारे राजस्थान के आसमान में साफ चमक रहे थे। अभी भी वह अपने गंतव्य से कुछ मील दूर था। विजय सिंह को बुढ़िया का पैकेट याद आ गया। उसने उसे खोला तो उसमें नमक और अंडे के सिवा कुछ नहीं मिला। बुढ़िया अपनी सनकीपन के लिए प्रसिद्ध थी। जैसे ही विजय सिंह उस भूतिया रेगिस्तान में कदम रखा, उसे एक आवाज सुनाई दी, विजय सिंह, तुम रेगिस्तान में खो जाओगे, इस तरफ आओ, मैं तुम्हारा दोस्त हूं नटवर। विजय सिंह को तुरंत एहसास हुआ कि यह उसका दोस्त नहीं बल्कि भूत है। बहादुर दिखने की कोशिश करते हुए विजय सिंह ने वापस बुलाया, मेरे प्यारे नटवर, तुम कहाँ हो? अंधेरा है और मैं तुम्हें नहीं देख सकता, यहाँ आओ और मुझे रास्ता दिखाओ। सभी अच्छे पहलवानों की तरह विजय सिंह अपने दुश्मन को आकार देना चाहता था ताकि वह उसे भाप सके। जल्दी भूत उसकी तरफ प्रकट हुआ। विजय सिंह ने उसके चेहरे पर झांका और घोषणा किया कि तुम तो बस एक सादा से झूठा भूत हो। वैसे भी अब मुझे पूरी रात चलने की जरूरत नहीं है, मैं तुमसे मिलने के लिए तरस रहा था। अपमान का आदि ना होने के कारण भूत भौचक्का रह गया। आमतौर पर लोग उसे डर से भागना स्टार्ट कर देते थे। जब वे उससे मिलते थे वे अक्सर बेहोश हो जाते थे, लेकिन यहां यह प्राणी दावा कर रहा था कि वह भूत से मिलना चाहता है। इस बात का कोई मतलब नहीं था। वास्तव में मुझे नहीं पता कि तुम मुझसे मिलने के लिए क्यों तरस रहे हो, ऐसा भूत ने कहा। विजय सिंह ने बोरिंग आवाज में कहा, यह साबित करता है कि तुम मूर्ख भूत हो। एक भूत कम से कम एक आदमी के विचारों को पढ़ सकता है। हालांकि भूत अवाक था, उसने अपने भूतिया बुद्धि से युद्ध करते हुए विजय सिंह को तिरस्कार भरी निगाहों से देखने की कोशिश किया। सच कहूं, उसने कहा, तुम मुझे वैसे मजबूत नहीं लगते। दिखावा भ्रामक हो सकता है, विजय सिंह ने कहा। अपना मामला ले लो, तुम नटवर होने का दावा करते हो, हालांकि वास्तव में तुम एक भूत के नाम पर बेकार हो। अगर तुम मेरी ताकत पर संदेह है, अगर तुम्हें मेरी ताकत पर संदेह हो रहा है तो मैं तुम्हें एक प्रमाण देता हूं। विजय सिंह ने रेत से चट्टान का एक टुकड़ा उठाया। इसे लो, उसने भूत को भेंट किया और बोला, इसे जोर से निचोड़ो, यह तरल पदार्थ से भरा हुआ है, देख लो यदि मैं गलत हूं। भूत ने पहले एक हाथ से चट्टान के निचोड़ा और फिर दोनों हाथ से निचोड़ने की कोशिश की। विजय सिंह ने चुपके से अपनी जेब से अंडा निकाल लिया। विजय सिंह ने भूत से चट्टान छीनकर दोनों हाथों के बीच रखकर निचोड़ लिया और उसे उंगलियों के चारों ओर से
एक ही बार में पीली जर्दी निकल गई और अंडे के छिलके की चटकने से पत्थर के कुचल जाने का भ्रम पैदा हो गया। भूत इतना चकित हुआ कि उसने विजय सिंह को अपने हाथों को रेत से साफ करने और कहानी के खोल को निपटने के लिए झुकते हुए नहीं देखा। विजय सिंह ने फिर चट्टान का एक और टुकड़ा उठाया और भूत को दे दिया। एक शब्द के बिना भूत ने उसे ले लिया, उसे महसूस किया और उसकी ओर देखा। क्या भूत ने इसे महसूस किया और उसकी ओर देखा? विजय सिंह ने नमक की गांठ निकालने के लिए अपनी जेब में हाथ डाला। यह सिर्फ एक पत्थर है, भूत ने विरोध किया। और वैसे भी यहाँ बहुत अंधेरा है, एक भूत के बारे में कभी नहीं सुना जो अंधेरे में नहीं देख सकता है, विजय सिंह ने टिप्पणी करते हुए कहा। जिस पत्थर को तुम हाथ में पकड़े हो उसमें नमक है, उसे तोड़ कर देखो। भूत ने फिर से पत्थर को कुचलने की कोशिश की लेकिन व्यर्थ। उसने विजय सिंह को पत्थर सौंप दिया। भूत को अब अपनी प्रेत शक्तियों पर संदेह होने लगा था। मैं देख सकता हूं कि तुम एक योग्य प्रतिद्वंदी नहीं बनने जा रहे हो। एक कमजोर के साथ साथ कुश्ती का क्या फायदा, जिसे मैं एक मिनट में परास्त कर सकता हूं। इतना कहकर विजय सिंह ने यूं ही नमक की गांठ तोड़ दी और पत्थर को अंधेरे में फेंक दिया। उसने अपना हाथ बढ़ाया और भूत को चूर्ण पत्थर का स्वाद चखने की आज्ञा दी। वह एकदम से भयभीत हो गया। यह आदमी अंधेरे में कुश्ती की लड़ाई में उसे आसानी से हरा सकता है, लेकिन शायद उसे दूसरे तरीके से हराया जा सकता है। दास्तापूर्ण ढंग से भूत ने कहा, मित्र विजय सिंह, आप जैसे व्यक्ति से मिलना सम्मान की बात है। मैं मानता हूं कि आप मुझे हरा देंगे, लेकिन आज रात आप कहां जाओगे? मेरे घर में आराम करो, आप कल जा सकते हैं। अब पूरी तरह से उत्साहित विजय सिंह ने उत्तर दिया, मैं तुम्हारे अतिथि सत्कार को मना नहीं कर सकता, लेकिन तुम मेरे कैदी के रूप में मेरे साथ चलोगे। मुझे अपने जीत की ट्रॉफी अपने लोगों को दिखानी चाहिए। भूत ने सहमति में सिर झुकाया, लेकिन रात में चुपचाप विजय सिंह को मारने की कसम खा ली। वह उसे गुफा में अपने घर ले गया। भूत ने उसे सूखे मेवे और ढेर सारी दूध खिलाया और बाद में उसे सोने के लिए एक शानदार बिस्तर पर ले गया, जिसमें तकिया और बोल्स्टर था। लेकिन विजय सिंह भूत के खर्राटे सुनकर जग गया। आधी रात में वह अपने बिस्तर से फिसल गया। उसने पलंग के बीच में बोल्स्टर रखा दिया और उसके ऊपर चद्दर फेंक दिया। इसे बिल्कुल सोते हुए आदमी की तरह बनाने के लिए ऐसा उसने किया। ऐसा करने के बाद वह ध्यान से एक अंधेरे कोने में झुक गया। निश्चित रूप से भोर होने के ठीक पहले भूत एक मजबूत डंडा लेकर पास पहुंचा और वह मार दिया। वह सोचता है कि विजय सिंह के सिर पर मारा हूं। एक कराह ना सुनकर वह मुस्कुराया और प्रसन्न हुआ कि उसने अपने शत्रु को मार डाला है। हालांकि वह दोबारा सुनिश्चित करने के लिए उसने बोल्ट को 6 बार और मारा और अपने काम से संतुष्ट होकर वह अपने सोफे पर लौट आया और अपना सिर ढककर फिर से सोने लगा। तब विजय सिंह चुपचाप बिस्तर पर वापस आया। एक विराम के बाद वह करा उठा, जोर जोर से चिल्लाने लगा, जैसे कि घृणा आवाज में। उसने अपने चादर वापस फेंक दिया और बैठ गया। शोर से परेशान होकर भूत ने अपने सहनकक्ष से नीचे झांका कि वह बलवान व्यक्ति अपने सिर के ऊपर अपनी बाहें फैला रहा था और जमाही ले रहा था। एक पल के लिए भूत सदमे से कठोर हो गया। दोस्त भूत, तुम्हारी गुफा में कीड़े हैं, विजय सिंह शिकायत भरे स्वर में कहा। यहां मैं वर्षों बाद सबसे मीठी नींद का आनंद ले रहा था और यह कीट मुझे परेशान करने के लिए आता है। मैंने स्पष्ट रूप से इसके पंखों की 7 फड़फड़ाने की गिनती की। बेशक इसने मुझे काटा नहीं, लेकिन यह सबसे अधिक कष्टप्रद है। यह मेरा नींद डिस्टर्ब कर दिया। भूत घबरा गया। उन 7 प्रहारों ने किसी अन्य व्यक्ति को गुदा बना दिया होता। इस तरह के भयंकर पहलवान के पास कोई सुरक्षा नहीं है, मेरा वह सोचा और अपनी सारी गलत कमाई को छोड़कर गुफा से भाग गया। विजय सिंह ने जो संपत्ति अर्जित की थी उसे निकालने के लिए गांव से कई ईंटों को ले आया। उसने इसका अधिकांश भाग सही स्वामियों को लौटा दिया। वह विशेष रूप से बूढ़ी औरत के पास गया, उसे उसके अमूल्य उपहार के लिए धन्यवाद दिया और उसकी पोती से विवाह के लिए हाथ मांगा। इसके बाद विजय सिंह सेखी बगारने में अधिक सावधान रहता था। कहा जाता है कि
कि उस हंटेड डिजर्ट में कभी किसी यात्री को परेशानी नहीं हुई विजय सिंह के इस घटना के बाद। दोस्तों, यदि आपको यह कहानी अच्छा लगा हो और इसी तरीके से आप शॉर्ट समरी स्टोरी सुनना चाहते हो और एक्सप्लेनेशन के साथ साथ आप पढ़ना चाहते हो, तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।